पीएम फसल बीमा योजना 2020 सरकार करेगी गरीब किसानों के 4600 करोड़ रुपए का भुगतान, जाने पूरी जानकारी। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। पीएम फसल बीमा योजना 2020 21 लाख किसानों को किया जाएगा 4600 करोड़ रुपए का भुगतान। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। 18 सितंबर को खाते में की जाएगी राशि ट्रांसफर। इस साल जुलाई माह में हुई कम बारिश से फसलों का नुकसान पहुंचा है। बारिश की कमी देश के कई इलाकों में फसल सूख कर खराब हो गई है। वहीं अगस्त में बारिश की अधिकता ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कई राज्यों में बाढ़ आई है जिससे फसलें पानी में बह गई है। इसके अलावा कीटों के प्रकोप से सोयाबीन, कपास आदि की फसल बर्बाद हो गई है। इन सब के बीच किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। यह खबर है किसानों को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार फसल बीमा का भुगतान करेगी। किसानों को बाढ़ से हुई नुकसान को लेकर सरकार ने कहा है कि बाढ़ से जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उनकी पूरी भरपाई की जाएगी। नष्ट हुई फसलों का बीमा राशि का भुगतान और मुआवजा दिया जाएगा। वहीं किसानों को पिछले वर्ष 2019 खरीफ सीजन की फसल बीमा राशि का भुगतान अभी तक एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है, पर अब मध्य प्रदेश सरकार 18 सितंबर को प्रदेश के किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा देने जा रही है। 21 लाख किसानों को दी जाएगी फसल बीमा राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 21 लाख किसानों को वन क्लिक से 4600 करोड़ रुपए की बीमा राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। खरीफ 2019 की बीमित फसलों का बीमा राशि किसानों के खाते में 18 सितंबर को अंतरित की जाएगी। पूर्व में यह कार्यक्रम 8 सितंबर को प्रस्तावित था। पिछले वर्ष राज्य में अतिवृष्टि के चलते कई जिलों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसका अभी तक फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसे इस माह 18 सितंबर को किसानों को दिया जाना प्रस्तावित है। किन किन जिलों के किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ? कृषि विभाग से जानकारी के अनुसार खरीफ 2019 की बीमा राशि के अंतर्गत हरदा जिले के 57,620 किसानों को 109 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और राजगढ़ जिले के 2,31,769 किसानों को 427 करोड़ 37 लाख रुपए दिए जाएंगे। खरगोन जिले के 1,43,327 किसानों को 118 करोड़ 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। मंदसौर जिले के 1,34,409 किसानों को 381 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीहोर जिलों के 1,06,347 किसानों को 157 करोड़ 34 लाख रुपए और धार जिले के 1,05,161 किसानों को 195 करोड़ 47 लाख रुपए और विदिशा जिले के 1,02,113 किसानों को 318 करोड़ 53 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं रतलाम जिले के 1,59,000 किसानों को 282 करोड़ 80 लाख रुपए बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। इन जिलों के अलावा शेष जिलों के किसानों को 2,623 करोड़ 23 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। इधर हरियाणा सरकार भी देगी किसानों को मुआवजा। हरियाणा के कीटों के प्रकोप से हुए नुकसान पर हरियाणा सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। इसके लिए सर्वे करवाया जाएगा, इसके बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजी जाएगी। इसके बाद पात्र किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं जिन किसानों की फसल का बीमा नहीं है उनको भी बीमा राशि का भुगतान करने की बात सरकार ने कही है। बता दें कि पिछले अगस्त महीने में सफेद मक्खी सहित अन्य कीटों के प्रकोप से प्रदेश में कपास फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई जगह में सोयाबीन की फसल को भी नुकसान हुआ है। किसानों के लिए क्यों जरूरी है फसल बीमा योजना? हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते बाढ़ में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले, तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है।
उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। पहले सभी किसानों के लिए बीमा करवाना अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने इसे स्वैच्छिक कर दिया है। अब किसान चाहे तो बीमा करवाए, अन्यथा नहीं। लेकिन बीमा कराना किसानों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि बीमा कराने के बाद फसल में हुए नुकसान की भरपाई का दायित्व बीमा कंपनी का होता है। बीमा कराने पर यदि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट होती है तो बीमा कंपनी सर्वे करवाकर किसानों का बीमा दावा की राशि भुगतान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।